हमारे शरीर पर बालों का होना कोई खास उद्देश्य से ही है, ये यूं ही नहीं है। शरीर के अलग अलग भाग पर बालों का होना कुछ विशेष कार्य के लिए है। सिर के बाल हमें सौर विकिरण और ठंड से बचाने का काम करते हैं। आंखों के ऊपर बोहे पसीने को नीचे बहने और आंखों तक पहुंचने से रोकते हैं। कान के बाल हमें गंदगी के कण, छोटे कीड़े और बैक्टीरिया से बचाव का काम करते हैं। नाक के बाल एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो धूल के कणों को नाक के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। यही कारण है कि नाक में स्नोट बनता है। कान में उगने वाले बाल हाथों और शरीर के बीच घर्षण से रक्षा करते हैं, बल्कि आंखों की सुरक्षा का काम करते हैं। महिलाओं की योनि पर उगने वाले बाल उनको संक्रमण बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। पुरुषों के लिए उनके गुप्तांग पर बालों का होना कोई विशेष कार्य से नहीं है, लेकिन अतीत में ये बाल उन्हें ठंड से बचाते थे। पीठ आदि पर बालों का होना है, कई वैज्ञानिकों की तरह है ये हमारे पूर्वजों के अवशेष है जो बहुत अधिक बालों वाले थे। वैज्ञानिक शोधों के आधार पर बताया गया कि शरीर में BMT नाम का खास प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन शरीर में बाल उगाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एक अन्य प्रोटीन इस प्रोटीन को शरीर के हिस्सों में जाने से रोकता है। उस अवरोधक प्रोटीन का नाम DKOF या DKK2 है। यही अवरोधक प्रोटीन BMT को तलवे और हथेली पे जाने से रोकता है, जिससे वहाँ बिल्कुल भी बाल नहीं उगते। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।